हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पाठ्यक्रम के प्रकार। तो इस वीडियो में हम पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में डिस्कस करने वालेंगे, जानेंगे कि कितने पाठ्यक्रम के प्रकार होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती है और उन प्रकार के पाठ्यक्रमों का निर्माण किसे केंद्र मान के किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि टोटल कितने प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं। तो दोस्तों, टोटल 8 प्रकार के पाठ्यक्रम आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। द नंबर्स ऑफ पाठ्यक्रम मे बी वेरी फॉर सम टाइम। पाठ्यक्रम के प्रकारों के नाम देख लेते हैं सबसे पहले कि आपका फर्स्ट है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसे अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। दूसरा बालक केंद्रित पाठ्यक्रम। तीसरा क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। चौथा उद्देश्य केंद्रित पाठ्यक्रम। पाँचवा अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। छठा सुसंबंध पाठ्यक्रम। सातवां कोर पाठ्यक्रम और आठवां एकीकृत पाठ्यक्रम। दोस्तों, ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप केवल नाम को समझ जाए, आप इजीली समझ जाएंगे कि इस पाठ्यक्रम के अंदर क्या बातें की जा रही है। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले विषय केंद्रित पाठ्यक्रम से। पहला पाठ्यक्रम का प्रकार विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, जिसे हम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम इंग्लिश में कहते हैं। इसे अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। दोस्तों, नाम से ही आप क्लियर समझ जाएंगे, विषय केंद्रित या अध्यापक केंद्रित। इसमें विषय को केंद्र मान के जब कोई हम पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं तो वो विषय केंद्रित कहलाता है। आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जैसे कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में विषय पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम की शुरुआत प्राचीन ग्रीक तथा रोम विश्वविद्यालयों में हुई थी। तो समझ में आ गया दोस्तों कि जब हम विषय को केंद्र मान के पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो वो पाठ्यक्रम विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं जान लीजिए ताकि और चीज़ें क्लियर में आ जाए। पाठ्य पुस्तक में अधिक ध्यान दिया जाता है तथा पाठ्यक्रम निर्माण में विषय को केंद्र माना जाता है। समझ में आ गया दोस्तों, पाठ्य पुस्तक पढ़ने वाली चीज़ें किताबों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बच्चों की रुचि की महत्ता नहीं होती। वी डोंट कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। इसमें बच्चों के रुचि की महत्ता नहीं होती। हम टोटल ही सब्जेक्ट्स को, टोटल ही टीचर्स को सेंटर्ड मान के, केंद्र मान के इस पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तीसरा पॉइंट है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक पाठ्यक्रम में दी हुई जानकारी ही बच्चों को मुहैया कराता है, बच्चे उसी का ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो विषय केंद्रित माना गया है। इसमें क्या होगा, शिक्षक जो हैं विषय वस्तु के ज्ञान को बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे और बच्चे उसी ज्ञान को ग्रहण करेंगे। चौथा पॉइंट है दोस्तों, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक को गौण, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक को गौण तथा विषय को प्रमुख स्थान दिया जाता है। गौण का मतलब सेकेंडरी और प्रमुख का मतलब प्राइमरी। जब हम सब्जेक्ट सेंटर्ड, जब सब्जेक्ट को केंद्र मान के कोई पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसमें जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सेकेंडरी, उनका हम पर्सपेक्टिव सेकेंडरी रखते हैं, उसे हम गौण रखते हैं और विषय वस्तु को प्रथम रखते हैं, विषय वस्तु को प्रमुख रखते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें दिया है कि ज्ञान का संबंध पूर्ण रूप से पुस्तकों पर केंद्रित होने के कारण इस प्रकार के पाठ्यक्रम को पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। तो ये विषय केंद्रित को हम पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान का संपूर्ण रूप से पुस्तक पे ही क्या होता है भाई, केंद्रित होता है। ज्ञान का संबंध पूर्ण रूप से पुस्तकों पे केंद्रित होता है। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम को हम पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। तो इसके तीन नाम क्या हो गए, विषय केंद्रित, अध्यापक केंद्रित और पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम। चलिए देखते हैं कि दूसरा टाइप्स क्या है पाठ्यक्रम का। दूसरा पॉइंट है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, बालक केंद्रित पाठ्यक्रम। इसको हम लर्नर सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। अब इसके टोटली अपोजिट है टीचर सेंटर के, यानी कि जो शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम था, जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम था, उसके टोटली अपोजिट है ये पाठ्यक्रम। उसमें हम शिक्षक को, उसमें हम विषय वस्तु और पुस्तक को केंद्र मान के पाठ्यक्रम का निर्माण करते थे, लेकिन इसमें हम, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में हम बालक को केंद्र बिंदु मानकर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं पॉइंट्स क्या है दोस्तों। पॉइंट्स ये है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है तथा पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की रुचि, आवश्यकता, अवस्था, उसकी क्षमताओं के आधार पर किया जाता है। विषय पाठ्यक्रम में हम बालक की रुचि को महत्ता नहीं देते थे, लेकिन जबकि बालक केंद्रित पाठ्यक्रम है तो इसमें हम बालक की रुचि, उसकी आवश्यकता, उसकी अवस्था तथा उसकी क्षमता को आधार मान के पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो टोटल कहने का मतलब यह है कि बालक केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक को केंद्र माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में विषय को गौण, याद है विषय में
बालक को गौण माना गया था, लेकिन इस प्रकार के पाठ्यक्रम में विषय को गौण तथा बालक को प्रमुख स्थान पर रखा जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में आप समझ जाइए, बिल्कुल भी रटने वाली चीज़ नहीं, समझने वाली चीज़ है। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन डीवी के लेबोरेटरी विद्यालय में हुआ था और इसी प्रकार के और यहाँ से पाठ्यक्रम का क्या हुआ था भाई, शुरुआत हुआ था। और लास्ट टॉपिक, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक के सर्वगीण विकास होता है। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम का क्या होता है भाई, बालक का सर्वगीण विकास होता है। अगर आप चाहें तो आप इसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, वो ऐड ये है कि ये पाठ्यक्रम बालक के लिए रुचिदायक होता है, ये पाठ्यक्रम बालकों के लिए आसान होता है, ये पाठ्यक्रम बालकों के समझने में आसान होता है। तो बालक केंद्रित है, मतलब बालक को जो भी सपोर्ट चाहिए, बालक को जो भी सहायता चाहिए, बालक की जो भी रुचि है उसको केंद्र मान के जब हम किसी करिकुलम का निर्माण करते हैं तो वो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। आप इसे लिख सकते हैं कि कंपैरेटिवली ये बहुत आसान भी होता है क्योंकि हम इसमें बालक को केंद्र मानते हैं। तीसरा पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। देखिए नाम से ही आप समझ जाइए, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होगा, क्रिया को, कार्य को, टास्क को केंद्र माना जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम के निर्माण क्रियाओं पर आधारित होता है, इसमें क्रिया को केंद्र माना जाता है। देखिए क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक के विभिन्न प्रकार की क्रिया अर्थात कार्यकलाप कराए जाते हैं। देखिए क्रिया पाठ्यक्रम में क्या होता है भाई, क्रिया केंद्रित में कि बालक को टास्क दिए जाते हैं, डिफरेंट क्रियाकलाप दिए जाते हैं कि ये काम करो। तो ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण जिसमें बालक को क्रियाकलाप कराया जाता हो, जिसमें उसमें बहुत ज़्यादा कार्य कराया जाता हो, शिक्षा से संबंधित कार्य जैसे असाइनमेंट्स बनाना, कहीं टूर पर विजिट करना, एक दूसरे से डिबेट करना, तो ये क्या है भाई, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम होते हैं। ठीक है, इस प्रकार की क्रियाएँ समाज के हित एवं मांग तथा बालक की रुचि तथा योग्यता के अनुसार दिया जाता है। समाज का हित के लिए आप जैसे कहीं आपने शिविर लगा दिया, कोई कैंप लगा दिया बच्चों को डोनेट करने के लिए या फिर फ्री एजुकेशन के लिए, तो समाज को समाज के भलाई के ध्यान में रखते हुए समाज के हित एवं मांग तथा बालक की रुचि तथा योग्यता के अनुसार ये क्रिया दिए जाते हैं बालक को। तो क्रिया केंद्रित में क्या है, क्रिया पर फोकस किया गया, कार्य पर फोकस किया गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षक एवं बालक के मिले जुले सहयोग से होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर क्रिया है तो उसमें शिक्षक और बालक दोनों के सहयोग से होगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा था बाल केंद्रित, उसमें बालक को प्रमुख और विषय को गौण माना गया था। शिक्षक में हमने क्या किया था, विषय को प्रमुख और बालक में गौण माना गया था, लेकिन यहाँ पे दोनों का स्थान समान है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षक एवं बालकों के मिले जुले सहयोग से होता है। ठीक है दोस्तों, आई उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का सुझाव सर्वप्रथम अमेरिकी शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी ने दिया था। जॉन डीवी का मानना है कि बालक के इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जो कि आगे जाकर समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो। ऑब्वियस सी बात है, अतः इस प्रकार के पाठ्यक्रम को बालक के लिए ऐसे कार्य का आयोजन किया जाता है जिसकी समाज को आवश्यकता तथा समाज में महत्व हो। कहने का मतलब है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाकलाप कराया जाता है और वो क्रियाकलाप ऐसे हो जो कि समाज के लिए लाभकारी हो, बच्चों की रुचि और उसकी योग्यता पर आधारित हो। ठीक है दोस्तों चलते हैं अब चौथे टाइप्स के करिकुलम पे। चौथा इसका प्रकार है उद्देश्य केंद्रित प्रकार। फिर भी आप नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें उद्देश्य को, आपके पर्पस को सेंटर्ड माना गया है, आपके उद्देश्य को केंद्रित माना गया है। इसका प्रतिपादन किसने किया था, बीएस ब्लूम मनोवैज्ञानिक थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनके नाम को लेकर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन के लिए त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का सुझाव दिया जिसमें शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के दौरान प्राप्त अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। बीएस ब्लूम ने क्या दिया था भाई, शिक्षक के मूल्यांकन के लिए सुझाव दिया था। उद्देश्य केंद्रित पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार विभिन्न उद्देश्य होते हैं तथा वर्तमान में इसी प्रकार के पाठ्यक्रम का प्रयोग करते हैं। इसमें समझ जाइए क्या है, इसमें हम उद्देश्य को केंद्र मानेंगे। उद्देश्य को केंद्र मानने का मतलब, और वर्तमान में इस प्रकार के पाठ्यक्रम का अधिक प्रयोग होता है, इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि किसी बच्चे का पर्पस क्या है, वो आगे जाके क्या बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसके पाठ्यक्रम में डॉक्टर से संबंधित सब्जेक्ट्स और डॉक्टर से संबंधित एक्टिविटीज़ को ज़्यादा उसमें बढ़ाया चढ़ाया जाएगा, ज़्यादा उसमें मेंशन किया जाएगा। अगर उसका उद्देश्य इंजीनियर बनना है, अगर उसका उद्देश्य वकील बनना है, अगर उसका उद्देश्य शिक्षक बनना है, तो उससे संबंधित, उस उद्देश्य से संबंधित पाठ्यक्रम की विषय वस्तुओं को उसमें ऐड किया जाएगा। इसीलिए इस टाइप्स के करिकुलम का वर्तमान में अधिक प्रयोग होता है और इस टाइप्स के पाठ्यक्रम को कहते हैं उद्देश्य केंद्रित पाठ्यक्रम। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों।
तो दोस्तों बात करते हैं पांचवे टाइप्स के। दोस्तों पांचवा टाइप में यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे उद्देश्य नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है, तो पांचवा हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अब बताइए अनुभव केंद्रित में किसे केंद्र माना जाएगा, अनुभव को माना जाए। एग्जैक्टली सही आंसर, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होगा भाई, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम का संबंध बालक के अनुभव से है, अतः इस प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्माण बालक के अनुभव पर आधारित होता है। बहुत सही दोस्तों, इसमें देखिए क्या होता है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों से अधिक बालक के अनुभव पर ध्यान दिया जाता है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है दोस्तों, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है। इसीलिए तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों से अधिक बालक के अनुभव पर ध्यान दिया जाता है। ओके, अतः पाठ्यक्रम का निर्माण बालक के अनुभव के आधार पर किया जाता है और इस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुभव को पुस्तकों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। नाम से ही आप क्लियर समझ में आ जाएगा, बस नाम नोट कर लीजिए और थोड़ा सा उस पर सोचिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो टॉपिक्स या जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए उसको एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्या था भाई, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम था जिसमें अनुभव को केंद्र माना गया है, अनुभव को बालक के पाठ्य पुस्तकों से अधिक महत्व दी गई है, इनके पाठ्यक्रम का निर्माण अनुभव के आधार पर किया गया है और लास्ट पॉइंट अनुभव केंद्रित में है, यह पाठ्यक्रम करके सीखने सिद्धांत पर कार्य करता है। करके सीखने, अब बालक जब किसी कार्य को करेंगे तो उनका अनुभव होगा और इसे हम अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। इसका जनरल से एग्जांपल्स क्या होता है कि जब आप किसी प्रैक्टिकल्स में जाते हैं ना, तो प्रैक्टिकल्स आपको, जैसे कि आपके शिक्षण में माइक्रो टीचिंग होगा, तो ये माइक्रो टीचिंग क्या है, अनुभव केंद्रित पे ही आधारित है। आपको अनुभव कराया जा रहा है कि आप दूसरे विद्यालय में जाइए, वहाँ टीचिंग करिए, उसका अनुभव लीजिए, तो ये अनुभव केंद्रित का ही हिस्सा है। तो ये हमारा पांचवा था अनुभव केंद्रित दोस्तों। अब बात कर लेते हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है, सुसंबंध पाठ्यक्रम। सुसंबंध, फिर भी एक बार नाम से मिला लीजिए, सुसंबंध का मतलब इस पाठ्यक्रम का किसी और से संबंध है, किसी और पाठ्यक्रम में किसी और वस्तु से संबंध है। आइए यहाँ पे पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में ज्ञान को इकाई माना जाता है, ज्ञान को इकाई माना जाता है, तथा सभी विषयों को अलग अलग ना पढ़ाकर एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाए जाने पर जोर दिया जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको यहाँ पे डेफिनेशन मिल गया है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में दो विभिन्न विषयों को एक समान रखने वाले विषय को अलग अलग ना पढ़ाकर एक ही समय दोनों विषय को एक साथ पढ़ाया जाता है। इसका ज्ञान लंबे समय तक रहता है तथा समय की भी बचत होती है। इसमें होता क्या है एक्चुअल में, कि जब मान लीजिए कोई दो सब्जेक्ट्स हैं, उनको अलग अलग ना पढ़ाकर उनको एक साथ पढ़ाने का ऐसा कोई पाठ्यक्रम बनाया जाता है, तो इसको दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सुसंबंध पाठ्यक्रम या कोर रिलेटेड पाठ्यक्रम। सातवां पॉइंट है दोस्तों कोर पाठ्यक्रम। तो कोर पाठ्यक्रम का क्या मतलब हुआ, कोर पाठ्यक्रम में आप सबको बताया कि आपके कुछ कोर सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे बीएड में आपके तीन कंपलसरी और दो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो कोर, इसी को कोर पाठ्यक्रम कहते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में कुछ विषय अनिवार्य होते हैं तथा कुछ ऐच्छिक होते हैं। कोर पाठ्यक्रम का मतलब आपको सिलेबस दिया जाएगा तो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स आपके अनिवार्य रहेंगे, ये पढ़ना ही है, और कुछ आपको ऑप्शनल दिया जाएगा कि इसमें से कोई चूज कर लीजिए, ठीक है। तो यह पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में कुछ विषय अनिवार्य होते हैं जिनका अध्ययन सबको करना है, हर बालक को करना है, और कुछ विषय ऐच्छिक होते हैं जिनमें बच्चे अपने पसंद की विषय चूज करते हैं, इसी को क्या कहते हैं भाई, कोर पाठ्यक्रम कहते हैं। समझ आ गई बात, मतलब आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा, एक तो कंपलसरी रहेगा और जो दूसरा होगा उसको आपको चुनना है, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो इसको कोर पाठ्यक्रम कहते हैं दोस्तों। लास्ट पॉइंट क्या है, इस प्रकार के पाठ्यक्रम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति व समाज दोनों का विकास करना है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का क्या भाई उद्देश्य, व्यक्ति और समाज दोनों का। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट्स क्या है, आइए देख लेते हैं लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। एकीकृत पाठ्यक्रम, इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम। अब ये बहुत ही मज़ेदार पाठ्यक्रम है, इसको कहते क्या है, एकीकृत पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है जिनमें एक समान रहने वाली विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता है। अब इसमें देखिए क्या करना है, एक समान विषय को एक साथ पढ़ाना है, और मोस्टली जब हम ग्रेजुएशन में जाते हैं तो हम इसी पाठ्यक्रम का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत क्या किया भाई, सामाजिक अध्ययन की एक सब्जेक्ट्स बनाई गई जिसके अंतर्गत ही आपको इतिहास पढ़ा दिया गया, भूगोल पढ़ा दिया गया, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और नागरिक शास्त्र।
तो एकाग्रित पाठ्यक्रम में क्या किया गया, एकाग्रित पाठ्यक्रम में ये होता है कि इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है जिसमें एक समान रहने वाले विषय को एक साथ पढ़ाया जाए, मतलब जो विषय एक समान हो उनको एक ही साथ एक ही सब्जेक्ट्स में पढ़ा दिया जाए। उदाहरण के लिए जो सामाजिक का अध्ययन करते हैं उनको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र इस साइड में भेज दिया जाता है, और जो वैज्ञानिक के अंतर्गत अध्ययन करना चाहते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, इसका सेक्शन अलग होता है, इनकी दूसरी तरफ कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि विषयों को आधार मानकर जो एक साथ पढ़ाने वाली हैं उनको एक साथ पढ़ाने का करिकुलम बनाया जाता है, इसको एकाग्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक शॉर्ट डिस्कशन था, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि एक शॉर्ट डिस्कशन था, जो मेरी कोशिश थी कि इनके जो टाइप्स है ना वो आपको इजीली समझ में आ जाएं। आई होप कि आपको आठों करिकुलम के टाइप्स जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट्स बना सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करी थी और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो समझ में आ गई। अब आप एक बार अपने सीरीज से मिलाइए, अपने बुक से मिलाइए और इन चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, मतलब आप कन्फर्म मानिए कि आपका टाइप्स ऑफ करिकुलम तैयार हो गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इससे सवाल लॉन्ग आंसर टाइप्स में आते हैं, 8 नंबर, 15 नंबर और 1.5 घंटे का पेपर हुआ तो 20 नंबर और 30 नंबर में ये सवाल आपके पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार वेरी हम रिकैप कर लेते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं पूरे टॉपिक को। अब पूरा टॉपिक क्या था दोस्तों, जस्ट एक मिनट, पूरा टॉपिक हमारे पास था कि टाइप्स ऑफ करिकुलम। टाइप्स ऑफ करिकुलम में हमने क्या पढ़ा, विषय केंद्रित, इसमें क्या होता है विषय को केंद्र माना जाता है, शिक्षक की रुचि की महत्व नहीं दी जाती है। बालक केंद्रित में क्या होता है, बालक को केंद्र माना जाता है, इसमें बालक की रुचि को महत्व दी जाती है। क्रिया केंद्रित में हमें क्रियाकलाप कराया जाता है बच्चों को, क्रिया को केंद्र माना जाता है, ऐसे पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें बच्चों को क्रियाकलाप कराया जाए और करके सीखने पे जोर दिया जाता है। उद्देश्य केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित में हम उद्देश्य को फोकस करते हैं, उद्देश्य को केंद्र मानते हैं और ऐसे करिकुलम का निर्माण करते हैं जो बालक के उद्देश्य को प्रभावित करें, बालक के उद्देश्य को और मजबूत करें। अनुभव केंद्रित का मतलब हम अनुभव को केंद्र मानते हैं, इसमें विषय वस्तु से ज़्यादा महत्व अनुभव को दी जाती है, अनुभव के आधार पर इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। सुसंबंध का मतलब दोस्तों अलग अलग विषयों को, अलग अलग टाइप्स के पाठ्यक्रम को एक साथ जोड़ के एक ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है जो विषयों को अलग अलग ना पढ़ा के एक ही साथ पढ़ाया जाए। कोर पाठ्यक्रम का मतलब दोस्तों इसमें बालक को ऑप्शन दी जाती है, दो तरह के, एक तो मैंडेटरी होता है मतलब अनिवार्य विषय, और दूसरा ऑप्शनल दी जाती है जिसमें कोई एक छूट सकता है। एकाग्रिक मतलब समान संबंध रखने वाले विषयों को एक साथ पढ़ाया जाए, जैसे सामाजिक विज्ञान के बच्चों का एक अलग सेक्शन हो जिसमें उनके सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाए, और एक ऐसा करिकुलम बनाया जाए जो इंजीनियरिंग या फिर जो साइंस साइड के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई अलग हो, उनका पाठ्यक्रम अलग हो, जैसे कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, समाज विज्ञान और जीव विज्ञान। तो ये थे दोस्तों टोटल 8 पॉइंट्स। इसके अलावा ध्यान से सुन लीजिए, कुछ अगर आपको बुक्स में इसके अलावा लिखता है जैसे व्यवसाय केंद्रित पाठ्यक्रम, तो व्यवसाय केंद्रित पाठ्यक्रम देखिए ये बहुत किताबों में मेंशन नहीं है, मैं अग्रवाल पब्लिकेशंस के रेफरेंस से ये आपको टॉपिक से समझा रहा हूँ, तो इसमें इतने पॉइंट्स दिए हुए हैं। व्यवसाय केंद्रित का मतलब आप व्यवसाय को केंद्र मानेंगे, ऐसी शिक्षा देंगे कि बच्चे उससे व्यवसाय कर सके। जैसे कि अब रिसेंटली एक नया हमारा एजुकेशन सिस्टम लॉन्च हुआ है, उसमें क्या होता है हम बच्चों को वेल्डिंग करना सिखाएंगे, पेंटिंग करना, कढ़ाई करना, तो इन सब चीज़ों को व्यवसाय केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। बट ये इंपॉर्टेंस थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इतनी चीज़ों को हर किताबों में मेंशन किया गया है, कुछ एक दो नाम जो है वो किन्हीं किन्हीं किताबों में मेंशन किया गया, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपने देखा मैंने पूरे वीडियो में कहीं नहीं कहा था कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा एक सिंपल सा पर्पस होता है कि मैं यहाँ पे आपको नॉलेज दूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, कौन से सब्जेक्ट्स को आप समझना चाहते हैं उस पे वीडियो बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप चैनल से जुड़ जाएंगे सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए।